हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द द्विवेदी फैमिली में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ उड़द दाल की एकदम नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी है उड़द दाल के पकोड़े। पकोड़े तो आपने बहुत से खाए होंगे, पर इस तरीके का पकोड़ा आपने ना कभी बनाया होगा और ना खाया होगा, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले उड़द दाल चाहिए और उस दाल को हमने 4 से 5 घंटे पानी में भिगो दिया है। फिर हम दाल को पानी से अलग कर लेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट रेडी करेंगे। तो मैं दाल को अब जार में डाल देती हूँ और अब हम इसका फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। कोशिश करिएगा कि आप इसमें वाटर ऐड ना करें, नहीं तो इसका पेस्ट बहुत पतला हो जाएगा और हमें पकोड़े बनाने में दिक्कत होगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इसका पेस्ट रेडी करना है। अब पेस्ट को हम बर्तन में कन्वर्ट कर देते हैं और पकौड़ों का मिक्सर रेडी करते हैं। अब इस पेस्ट में हम 2 स्पून कसूरी मेथी मिलाएंगे। कसूरी मेथी 2 स्पून से ज़्यादा ना मिलाइएगा फ्रेंड, क्योंकि इससे पकौड़ों का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। साथ में ये किशमिश, जो मैंने हर एक किशमिश को 2 पीसेस में कट कर लिया है। और अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और चॉप किया हुआ धनिया, बस हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। अब हम इसका एक मिक्सर रेडी कर लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमारा पकोड़ों का मिक्सर रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि मिक्सर का थिकनेस कैसी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो चलिए पकोड़े बनाने शुरू करते हैं। मैंने तेल ऑलरेडी ही गर्म करने को रख दिया था और मेरा तेल गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके इन पकोड़ों को तेल में डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। और मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिएगा। इन पकौड़ों को मीडियम फ्लेम में ही तेल में फ्राई कीजिएगा और अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें पकाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इनका टेस्ट और पकोड़ों से बिल्कुल हटके है। ये थोड़े से नमकीन, थोड़े से खट्टे, थोड़े से मीठे होते हैं, क्योंकि इसमें हमने किशमिश ऐड किया है। और आप चाहें तो इसे कभी भी बना के रेडी कर सकते हैं। और नॉर्मल रोज़ के पकोड़ों से अलग कुछ अगर आप पकोड़े ट्राई करने चाहते हैं तो आप ये पकोड़े एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।